हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मोटो ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। अभी तो हम फटाफट निकल चुके हैं अपनी जर्नी की तरफ और इसी तरह से मोटो ब्लॉगिंग आपके सामने लेकर आते हैं। तो अभी फटाफट 8 नंबर पहुंच गए हैं और ये कच्चा रास्ता के रोड की तरफ हम निकल चुके हैं और इसी तरह से मोटो ब्लॉगिंग आपके सामने लेकर आते हैं। और चैनल पर बने तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कुछ ही 2 दिन से काफ़ी यूट्यूब से कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रहा है कि आप लोग यूट्यूब में कंटिन्यू आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो जितने भी यूट्यूबर वह है, हम बोलना चाहते हैं कि एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब आपको डालना है तब आप डालिए वीडियो, लेकिन कंटिन्यू डालिए। उससे क्या होगा कि आपका सब्सक्राइबर बने रहेंगे और टाइम टेबल का सब चीज आपके साथ रहेगा, ठीक है ना। तो अभी हम निकल चुके हैं एनर्जी मॉल की तरफ से और यहाँ से अभी हम आगे चलते हैं फटाफट। और यहाँ से जो लिए हम राइट और अंदर वाला रास्ता लिए हैं क्योंकि आगे तरफ बहुत ट्रैफिक था। और ये आ गए हम अंदर वाले रास्ते से और यहाँ से अभी हम चलेंगे इसके ऊपर करौनी वाला रोड, जो कि ब्रिज से होके हम लोग निकलते हैं। और देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि भाई मोटर ब्लॉगिंग के लिए आपको बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि रिजन भाई कहीं बाहर जाओ बाहर जाओ। तो नेक्स्ट संडे प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट संडे कहीं और लोकेशन पे जाएंगे, आप वीडियो शूट करेंगे और आपको इंट्रो वगैरह भी बना के दिखाएंगे। तो आप लोगों को जैसा पसंद आए तो यार कमेंट किया करो, क्या है कमेंट आप कंटिन्यू करते तो क्या होता है, उससे एल्गोरिथम का जो है यूट्यूब की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और व्यूज वगैरह भी अच्छा आता है। तो आप लोग कमेंट किया करो, आप लोग कहाँ से देख रहे हो और कहाँ से आप लोग बोल रहे हो, वो स्टेट का नाम बकाया डाले, उससे क्या मुझे मालूम पड़ेगा। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है तो उसमें जाके आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं रिजवान राइडर 1000 और फेसबुक में भी आप फॉलो कर लो अगर नहीं किए हो तो। और ये हम फटाफट अभी निकल रहे हैं और ये गोरेगांव की साइड में हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। और ये सामने अनुपम बिल्डिंग है और यहाँ से अभी हम पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं और कुछ नए वीडियो आप लोग के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सहयोग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।